संसार की रचना का मुख्य आधार है ओम, जिसकी महानता और पवित्रता को पहचाना एक नेक दिल इंसान और महान जादूगर गुरु आदित्यानंद ने। गुरु आदित्यानंद ने अपनी शक्ति से एक स्कूल का निर्माण किया, आबरा कडाबरा स्कूल ऑफ मैजिक। दूर दूर से बच्चे यहां जादू सीखने आने लगे। गुरु आदित्यानंद पूरी सच्चाई के साथ तन मन से उन्हें जादू सिखाने लगे। जहां सच होता है वहां झूठ भी, झूठ और बदी की प्रतीक बिजली। शक्ति, शक्ति, शक्ति। बिजली पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। बोल आईना, बोल। क्या है? कौन है जो मुझे शक्ति दे सकता है? गुरु आदित्यानंद। आदित्यानंद की शक्तियों का पता चलते ही अपनी सोच को अंजाम देने के लिए जादूगरनी बिजली उनकी शरण में आ गई। कल को जानने वाले आदित्यानंद ने बढ़ती उम्र के साथ अपनी जादुई शक्तियों को इकट्ठा कर एक छड़ी का रूप दे दिया। अब गुरु आदित्यानंद के पास थी संसार की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी, जिसे पाना चाहती थी बिजली। ये छड़ी मुझे दे दो। नहीं, ये छड़ी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये छड़ी मैं तुमसे छीन लूंगी। इस जंग में गुरु आदित्यानंद की मृत्यु हुई और साथ ही बिजली की भी मौत। लेकिन गुरु आदित्यानंद की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो वहीं कैद होकर रह गई। और आज 200 साल बाद सामने नहीं आता। तो मुझे भी हवा में बात करने की आदत नहीं है। और मुझे भी तेरे जैसे छुटकिन की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। देखो, मेरे तीन गिनने तक आप सामने नहीं आए ना, तो मैं आपके अंदर कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, तुम अंदर जा पाओगे तो शिकायत करोगे ना। अगर मैं अंदर नहीं गया ना तो मेरी चाची मुझे ढूंढने बाहर आएगी। कौन चाची? स्कूल के प्रिंसिपल। क्या? आरबी के भतीजे हो? आरबी कौन? अरे आरबी का मतलब रंग बिरंगी स्कूल की प्रिंसिपल। छुटकन हमें से होशियारी। नहीं, ये थी छुटकन की
छोटी सी शरारत। नाम क्या? शानू। इतने स्याने बच्चे का नाम शानू ही तो हो सकता है। वैसे आप कौन है? मैं आबरा का डाबरा स्कूल का केयरटेकर चौकीदार लीमू चाचा। एक जमाने में प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन अब यार अब क्या हुआ? अरे छोड़ो यार, एक लंबी कहानी है। लीमू चाचा अब मैं अंदर जाऊं? अरे इतनी रात हो गई है, इस समय ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। आज तो रात मेरे यहाँ गुजारनी पड़ेगी, सुबह होगी तो फिर रंग बिरंगी से मुलाकात होगी, उसके सामने देखता हूँ तू कितनी होशियारी दिखा सकता है। खतरनाक है, डेंजरस है, स्ट्रिक्ट है, गलती इतनी सी और सजा इतनी सारी। तू अच्छा छुटकन है। आज की रात मेरे यहाँ रह जा बेटा, ठीक है? हंस बेटा, हंस हंस हंस। मेरे पूर्वजों की ब्लेसिंग आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, ना हारूंगी मैं जिंदगी में कभी, है मुझे ये विश्वास। मैडम, आबरा का डाबरा। मैजिक स्कूल में सुबह उठने का वक्त 5:45 और आपकी आंखों से नींद परी कितने बजे उड़ी? 6:15। देर हुई ना, पर क्या करें आप भी, दिन भर इतनी पढ़ाई, चमत्कारों की सिखलाई, मासूम मन, कमजोर बदन, नन्ही सी जान, कितनी परेशान। लेकिन जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो तो निभाने ही पड़ेंगे। आलस का मतलब गलती, गलती का मतलब अपराध, अपराध का मतलब दंड, और दंड का मतलब हाँ, उल्टे काम उल्टी सजा। तकलीफ तुम्हें हमें मजा। मैडम, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? आंखें, आंखों का इस्तेमाल, हर पल नजर, सामने तुम्हें आते भी देखा, लीमू को चाचा बुलाते भी देखा। स्कूल का पहला सबक, झूठ और छल का थैला घर पे छोड़ के आना, ठीक? लेकिन मैडम, मैडम अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो लीमू चाचा सामने नहीं आते और मैं यहाँ नहीं आ सकता था। पहली गलती, माफी पाई तुमने। दूसरी गलती, बहस, चलो वो भी भुलाई मैंने। तीसरी गलती नहीं भुला पाऊंगी। जुलू। जी मैडम। इसे सारा स्कूल दिखा दो और सब समझा भी दो। जी। जुलू नाम है इसका, ये तुमको ठीक जगह पहुंचा देगा। देखो
मैंने तुम्हें स्कूल के सारे नियम समझा दिए हैं। समझ गए ना? ठीक से। हाँ। देखो ये रही तुम्हारी क्लास। ये? हाँ। नया आया लगता है। चल इसकी टांग खींचते हैं। ए। अरे ये कौन है? नया नया आया है ना? हाँ, जादू सीखने। हाँ। देख गोचू, यहाँ उसी को एडमिशन मिलता है जिसको थोड़ा बहुत जादू आता है। हाँ। हाँ। तुझे क्या जादू आता है? किसे कोई जादू वादू आता होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाए चले आते हैं। एक सेकंड, एक जादू है मेरे पास। ए हीरो, दिखा दिखा। ये लड़का मेरे हाथ पे खींच कर बॉक्स मारेगा। बॉक्स यहाँ लगेगा पर आवाज कहीं और से आएगी। दिखा। चल अब खींच के बॉक्स मारना, दम लगा के। देखा मेरा जादू? दिमाग है, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, वो स्कूल का हेड बॉय है, उससे मत लड़ाई करो, फालतू में पिट जाओगे। ये हेड बॉय है? हाँ, आरबी मैडम का फेवरेट स्टूडेंट है ये। आरबी मैडम इसे बहुत पसंद करती है। चंगेजी, न्यू एडमिशन? हाँ। वाओ, डू यू हैव सम फ्रेंड्स? ओके। हाय, आई एम पिंकी। चानू। और हाय, आई एम लिंकी। पर हाँ, मुझे खाते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना। ओके ड्रैकुला। लगता है फिर शुरू हो गया, यानी गेट अस आउट ऑफ क्लास। उरी बाबा, अब आएगा मजा। चलो चलो। कंसंट्रेशन क्लास फर्स्ट लैडर। ए जे बच्चा लोग, आबरा के डाबरा। आबरा के डाबरा। अरे के नहीं रे बाबा, के नहीं, आबरा के डाबरा। आबर के रे के, अमी निजे ही भूल कोच्छी। अच्छा जाने दो जाने दो, एक जाने दो। हमारा आपला गाड़ी ट्रैक के नीचे गिरता है तो तुम्हारा गाड़ी कैसे उठाएगा। चलो बैठो बैठो बैठो। देखो आज हम तुम लोग को मन की शक्ति का चमत्कार करना सिखाएगा। किसकी शक्ति का? मन की शक्ति का। अरे पापा मन नहीं, मन की शक्ति। किसकी? मन की शक्ति से। अरे अरे मन नहीं रे बाबा, मन की शक्ति। सर मन की शक्ति से। अरे पंजाबी चलेटा खूब इंटेलिजेंट रे। ए जे पंजाबी जिसकी शक्ति बोला ना, उसकी शक्ति का चमत्कार मन की शक्ति से। ए जे फ्यूज बल्ब होता है ना, फ्यूज बल्ब भी एकदम जल जाता है। एक ही जिनिस का ध्यान रखना होता है, जिनिस की कंसंट्रेशन है, बुझे तो? कंसंट्रेशन को इधर उधर से हटा के मन में ध्यान लगाना होता है। कहाँ ध्यान लगाना होता है? मन में। अरे बाप मन नहीं, ये जो पंजाबी जहां बोला ना, पंजाबी पंजाबी, वहां ध्यान लगाना है। ठीक है तो बुझे चो? अभी देखो तुम लोग का डेस्क का भीतर में तुम लोग का पर्सनल मैजिक वंड है। क्या है? ए ए जादू का छोड़ी है। देखा, अभी इस छोड़ी को ऊपर रखो। अभी इस जादू का छोड़ी से तुम लोग जो भी चाहो वो कर सकते हो। अच्छा रुको बताता है, आग बंद करो। चलो सब लोग ठीक से चलो। ए तुम्हारे एक आग खुला क्यों है? सर आपने भी तो एक आग खुली रखी है। अरे तुम हमारा नकल करेगा? चलो दूसरा आग बंद करो, चलो जल्दी। किया तो? हाँ एकोन ठीक है, आग बंद करो और कंसंट्रेट करो छोड़ी को ऊपर उठाने का। चलो चलो जल्दी कंसंट्रेट करो। हाँ हाँ, अरे
इधर को एक ही बार में उठा दे, उठा उठा। और उठता है, उठा उठा, कंसंट्रेट करो। अरे बास शानू, अरे तुम्हारा छोड़ी कितना उठ गया रे बाबा। अरे हमको किधर देखता है, छोड़ी को देखो। अरे तुम लोग हमको किधर देखता है, ऊपर छोड़ी को देखो, नीचे देखिए। हम नीचे की ए बाबा रे बाबा, के कोचे रे कौन करता है कौन? सर कैसा लगा मेरा कमाल? तुम कमाल किया है? हमारा कमाल देखना जब हम नीचे उतरेगा। ए रंगीन बाल नीचे करो, नहीं तो तुम्हारे चूल टेके 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 छोटू कर देबे। ए नीचे करो रे। नहीं अभी नहीं जाता, रुको। बदमाश, कंसंट्रेट करके काम करो। हाँ, अभी इस जादू का छोड़ी से अपना कल्पना में रंग भरो। कलर योर इमेजिनेशन। अरे वाह, कैमल ऑयल पेस्टल्स, कैमल रेडी मिक्स, कैमल पोस्टर कलर्स, कैमल ऑयल पेस्टल, कर करो, चलो चलो कंसंट्रेट करके पेंटिंग करो रे बाबा। सब लोग कर रहा है ठीक से? ए कंसंट्रेट करो। कमाल कर दिया रे शानू, देखी तो। अरे बाबा, अरे कत भालो पेंटिंग रे। ए बच्चा लोग देखो, ये देखो शानू तो एकदम कमाल कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका पीरियड खत्म। अरे बाबा, जब देखो कान में आके टोंग करके बजा देता। कैसा लगा शानू? क्लास कैसी रही? उस बड़का से झड़प तो नहीं हुई? बड़का कौन? अरे वो चंगेजी। हुई पर कुछ खास नहीं। अच्छा फिर ठीक। वैसे आप अंदर कैसे आए? मैं अंदर कैसे आया? मजाक कर रहा है। जल्दी करो ना, देर हो रही है। आया नींबू चाचा, बाय। चीटी भी लगा तो चलो, और ये लो अपनी बुक्स। तुझे बहुत होशियारी आ रही है। हाँ? ये ले बेटा। उठ बाबा। ए रंगीन बाल तो देखो बैलून में रंग भर के मारता है। आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया। कहना छुटकन गैंग का क्या कहना,
अब्राकाडाब्रा किड्स, आज मैं तुम सब बच्चों को फ्लाइंग कार्पेट यानी कि ऐसे उड़न कालीन पर उड़ना सिखाऊंगी। है ना जबरदस्त चीज? लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि इस जबरदस्त चीज के क्या क्या फायदे हैं? मैम मैम मैं बताऊं? यस, हम इस कारपेट के ऊपर चढ़ के ऊपर से धरती की सारी खूबसूरतियाँ देख सकते हैं। वेरी गुड, क्लैप 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 एवरीवन। और मैडम, हाँ, हम इस पर बैठकर आराम से ऊपर जाकर उड़ती हुई चिड़ियों और कबूतरों को पकड़ सकते हैं। वेरी बैड, छी छी छी, बैड बॉय। मैं बताता हूँ मैडम, हम उड़कर उन पक्षियों तक पहुँच सकते हैं जो घायल हैं और उन्हें दवाई भी लगा सकते हैं। ब्रिलियंट, डबल क्लैप 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 क्लैप। दरअसल फ्लाइंग कार्पेट इसीलिए बनाया गया है ताकि मुसीबत में हम लोगों की मदद कर सके। और आप इस कार्पेट को कैसे उड़ा सकते हैं? अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर्स और आत्मा की शक्ति के साथ। So, जिन जिन बच्चों के सामने कार्पेट्स आ गए हैं, आराम से इन पर चढ़ जाओ। Yes, good, very good. अब we are ready to fly. 1, 2, 3, go. Yes, concentrate. Yes, look at Chingizi. The rest of you. थोड़ा और try करो. Yes, Shanu, very good, very good. हाँ, आप बच्चों ध्यान से सुनो. Right मुड़ने के लिए अपने पैर से कारपेट की right side यानी कि दाएं side पर दबाव डालो. हाँ शानु, very good. हाँ, और लेफ्ट मुड़ने के लिए लेफ्ट साइड पर दबाव डालो. Yes, चंगेजी. इसी तरह से आगे जाने के लिए आगे दबाव डालना है और पीछे जाने के लिए अपने पैर से पीछे दबाव डालना है. Oh, good. Look at them. Be careful. देखो बच्चों, शानु और चंगेजी कितनी अच्छी तरह से फ्लाइंग कार्पेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं. वेरी गुड बोथ ऑफ यू, लुक एट देम. चंगेजी, नो मस्ती. अब आराम से सब बच्चे नीचे आ जाओ. आराम से, जेंटली कम डाउन, धीरे धीरे. यस, जेंटली जल्दी खत्म हो गया है ना? अब जल्दी से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बदल के खाना खाने के लिए मेस में पहुंच जाओ. टाटा, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. जल्दी जल्दी. एक बजने में दो मिनट, एक बजने में एक मिनट. चंगेजी, ये हमारी जगह है. क्यों, तुम लोगों का नाम लिखा है क्या कहीं? ना ना, हम यहाँ पे रोज बैठते हैं इसलिए. अरे कोई ताजमहल के पास जाकर रोज बैठेगा तो पूरा का पूरा ताजमहल उसका ही हो जाएगा क्या? चुप चुप. एक्सक्यूज मी, देखो ना कितनी सारी सीट एम्प्टी है, अब वहाँ जाके बैठिए ना. अरे मैं एक बार बैठने के बाद उठता नहीं हूँ. छोड़ दो ना पिंकी, इससे प्रॉब्लम है. एक बार बैठ गया ना तो उठने में तकलीफ होती है. क्या क्या बोला तू? एक बज गया. अब्राकाडाब्रा मैडम, कुछ बच्चों की हरकतों की खबर मिली है हमें. शराफत इसी में है कि अपराधी अपने आप खड़ा हो जाए. सिर्फ 3 तक गिनूंगी मैं. इक्का, दुक्का,
मुझे ही गलत खबर मिली है। यहाँ तो सब शरीफ हैं। बच्चे मन के सच्चे, पर याद रहे नो मस्ती, ठीक है? बैठ जाओ और खाना खाओ। अरे डिंकी, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। शानू, कोशिश तो कर रही हूँ पर ऐसा लग रहा है पाँव में रॉड अटक गया है, बैठा नहीं जा रहा है मुझसे। डिंकी, तुम स्कूल टाइम में भी हमेशा कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो। और मॉन्टी, तुम दो दिन से अपनी क्लासेस बंक कर रहे हो। नीतू और गीता, तुम्हें लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं आता। सभी शरारती बच्चों का दो दिन तक खाना पीना बंद। जब तक बाकी के बच्चे अपना खाना खत्म नहीं कर लेते, ये शरारती बच्चे खड़े रहेंगे। Is that clear? खाना खाओ चुपचाप। लाओ, लाओ मुझे दो। लाओ। अरे मोटी, आज खाना नहीं मिला इसलिए बिस्किट खा रही है। अरे भाई, इस बिस्किट में जो टेस्ट है वो खाने में कहा, राइट? ए हीरो, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है क्या तू? नहीं चंगी जी, पकड़ लो इसे और कर दो धुलाई। अरे नहीं, मारो। बहुत जादू दिखाता है ना, अब तुझे मजा आएगा। मारो और मारो। चंगी जी स्टॉप इट, शट अप। चंगी जी, मैं कहती हूं शानू को छोड़ दो। तुम और मारो। पिंकी डिंकी, शानू संभालो। Good morning, flower. Morning. Good morning. Oh my God, 7 बज गए। पिकनिक के लिए लेट हो जाऊंगा। मैं तैयार होने जा रहा हूँ। मम्मी। Hi, Mama. Good morning. Good morning, बेटा। मम्मी मम्मी, सब पिकनिक के लिए तैयार है ना? सैंडविचेस, कोल्ड ड्रिंक, गेम्स और मेरे। हाँ बाबा, सब कुछ तैयार है, डोंट वरी। चलो 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 चलो। राहुल, हम पिकनिक पर जा तो रहे हैं पर वापस कब लौटेंगे? इतनी जल्दी क्या है? अरे शानू का होमवर्क करवाना है, घर में इतना सारा काम बाकी है और तुम्हारी कल की तैयारियां भी तो करनी है। अगर हम रात को देर से लौटे तो कैसे करूंगी सारी तैयारियां? राहुल बोलो ना। कल की कल सोचेंगे, आज को जी ले आज। जीना उसी का जीना है जिसने जाना ये राज। जिंदगी जिंदगी लगती है साथ तेरे। आरजू आरजू लगती है साथ तेरे। ओ जिंदगी जिंदगी लगती है साथ तेरे। ओ साथिया 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 रे। हाँ जिंदगी जिंदगी लगती है साथ तेरे। आरजू आरजू लगती है साथ तेरे। साथ तेरे लगे जिंदगी जिंदगी। साथ तेरे लगे जिंदगी जिंदगी। जिंदगी जिंदगी
लगती है साथ तेरी, आरजू आरजू लगती है के पापा ने दिया था और मेरे पापा ने मुझे, और आज ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। बेटे, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, और सच बात तो ये है कि ये सिर्फ निशानी नहीं बल्कि इसमें और भी कई खासियतें हैं जो तुम्हें वक्त आने पे पता चलेंगी। ओके, अब मेरी चिंता छोड़ो और आप आराम से सो जाओ। ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। अरे अरे अरे, कल के शो के लिए आज ही बेस्ट ऑफ लक। हां, क्योंकि कल का शो जबरदस्त होना चाहिए। दोस्तों, अब वो आइटम जो मैजिक वर्ल्ड में दी आइटम यानी कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा खतरनाक कही जाती है। आज जिंदगी में पहली बार मैं आप लोगों के सामने ये खतरनाक खेल खेलने जा रहा हूं। मेरे इन हाथों में जंजीरें बांधी जाएंगी और मैं इस बॉक्स के अंदर बैठूंगा और इस बॉक्स को उस गहरे समुंदर में डाला जाएगा, और मेरा करिश्मा होगा 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट के अंदर इस बॉक्स से बाहर आप लोगों के सामने आ जाऊंगा। पहले से ड्राइवर छुपा होता होगा, वो खोल देता होगा, गलत जगह फेंक दिया होगा, इसीलिए तो मिल नहीं रहा है। अब तक तो छाती फट गई होगी धोखेबाज की। पापा, पापा, लोग समझते हैं कि अब फ्रॉड है, झूठे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ना, अब फ्रॉड नहीं हो सकते। मैं दुनिया को बता दूंगा
कि आप हारे नहीं हो। मैं भी आपकी तरह एक बड़ा जादूगर बनूंगा। शानू बेटा, मम्मा, मम्मा, मैं पापा का सपना पूरा करूंगा। कोई बात नहीं भाभी, आप दोनों है ना आराम से दिल बाग के घर में रहो, और रब ने आपकी मदद के लिए तो मुझे ऊपर से नीचे भेजा है। दिलबाग भैया, आप मदद कर रहे हैं या एहसान? एहसान? वो एहसान कैसा? अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। भाभी, काम? मेरे रहते हुए आप काम करोगी? और नहीं, देखो भाभी, मेरे को है ना पहले ही गैस की प्रॉब्लम है, और ये बात तो हाजमा मेरा और खराब कर देगी। दिलबाग भैया, प्लीज प्लीज भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज कोई काम दिलवा दीजिए, प्लीज भैया। और नहीं, ठीक है भाभी, ठीक है। ये वड़कम, आप लोग बैठिए, मैं साहब को बुला। बैठो भाभी, बैठो बैठो। ओ भाई, भेज दे हमारे यार को फटाफट यार। हाँ, अब बच्चों के लिए खास खबर। ऑल द बेस्ट मेरे यार, हो जाते यार। टाइमलेस एग्जाम कॉन्टेस्ट आया है, तीन विजेताओं के लिए प्राइजेस लाया है। ऑल द बेस्ट मेरे यार, खोलो टाइमलेस एग्जाम पैक, ढूंढो अंदर एक गोल्डन रैप, अपना फेवरेट स्कूल चुनो और हो जाओ पढ़ाई के लिए तैयार मेरे यार। अच्छे स्कूल में एडमिशन पाओ, साथ साथ 5 साल के लिए कैमलिन एग्जाम सप्लाई मुफ्त पाओ। ऑल द बेस्ट मेरे यार। यस। अरे भेड़ा दिलबाग। ओ पपी मेरा यार। अरे मुझे दो त्राची मियो। अल्लाह रे अल्लाह। मुझे दो त्राची मियो। अल्लाह रे अल्लाह। बाड़िक लाल। बाड़िक लाल। और बाड़िक लाल। ओ जिधर है बक कैसा? अरे कैसा गले लगाता है बुलडोजर की तरह यार। अरे दम निकाल देगा क्या यार? दोस्त ऐसे नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं मिलो यार, ऐसा मिलेगा तो ये मां निकला दुनिया को नहीं मिलेगा यार। कैसे आना हुआ? ये मेरे दोस्त की धर्म पत्नी है शिवानी भाभी। हाँ, बहुत मुसीबत में है, इनको नौकरी चाहिए। अच्छा? मैंने सोचा टीना की देखभाल के लिए यहाँ रखवा देता हूँ। अच्छी बच्ची है यार, सच्ची बोलता हूँ, बिल्कुल कंट्रोल में है, शांत बच्ची है। क्या करता है? मैं उस पर पत्थर मारना चाहती हूँ तो वो चुप रहा है। सर, पत्थर ये मारता और आम को बोलता आम तंग करता, आप कुछ करो ना सर। बैड मैनर्स टीना, किसी को मारते नहीं। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? बेटी, ये आपकी नई गवर्नेस है और ये उनका बेटा है। पापा पापा, ये ऐड देखिए ना, मेरा सपना सच होगा प्रतियोगिता। अब पार्ले जी करेगा आपका सपना पूरा। पार्ले जी के पैक में डायमंड रैपर रखा गया है। डायमंड रैपर जिन तीन भाग्यशाली बच्चों को मिलेगा उन्हें मिलेगा इनाम। लकी विनर्स को मिलेगी एडमिशन एक अच्छे स्कूल में और 7 मुफ्त स्कॉलरशिप। साथ ही साथ 5 साल तक मिलेगा पार्ले जी का गिफ्ट हैम्पर। पार्ले जी खाइए, मौज उड़ाइए, पार्ले जी का पैक ले आइए और अपना सपना पूरा कीजिए। मेरा सपना पूरा कीजिए, सपना पूरा कीजिए, सपना पूरा कीजिए। एक विशेष सूचना, पार्ले जी मेरा सपना सच होगा इस प्रतियोगिता के पहले विजेता हैं जयपुर के मास्टर अनुज। पार्ले जी की स्कीम ने बच्चों की दुनिया में तहलका मचा दिया है, लेकिन अभी भी 2 डायमंड रैपर्स कर रहे हैं आपका इंतजार। तो हो जाइए तैयार और करिए अपने सपनों को साकार। ओ पुत्र, रब पे भरोसा रख, तेरी किस्मत के एक्सीलेटर पे है ना वो जल्दी पाव रखने वाला है। तू फिकर मत कर, तेरे सारे सपने है ना पूरे होंगे और फिर तू करेगा तररम पम रे तररम पम ओए तररम पम। I'm
सपना अपना सपना होगा पूरा, सपना अपना सपना होगा पूरा। के पहले और दूसरे विनर्स हैं मास्टर विशाल और मास्टर पुनीत। अब सिर्फ एक गोल्डन रैपर बचा है और उस पर किस भाग्यशाली विजेता का नाम लिखा है ये तो समय ही बताएगा। सपना होगा पूरा, सपना अपना सपना होगा पूरा। सपना होगा पूरा, सपना अपना सपना होगा पूरा। मामा देखो मुझे पार्ले जी का डायमंड रैपर मिल गया। देखा शुभ दिन पर शुभ काम हुआ। तू भूल गया आज तेरा जन्मदिन है ना। ले मैं भी तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। कैमलिन एग्जाम कॉन्टेस्ट का अब सिर्फ एक गोल्डन रैपर बचा है कैमलिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर श्रीराम दांडेकर और पार्ले प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर मिस्टर चौहान आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों अपने हाथों से मास्टर शानू को इनाम दें। थैंक यू। देख रही हूं भाभी। गुड लक। सो मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी है। बोलो बेटे क्या बात है। अंकल मैं मुंबई के किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं चाहता बल्कि एक स्पेशल स्कूल में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ पढ़ना चाहते हो बेटा। द फेमस मैजिक स्कूल आबरा काडाबरा। कैमलिन अंकल मैं भी मैजिक सीख के अपने पापा की तरह एक जादूगर बनूंगा। मामा क्या आप चाहेंगी कि आपके बेटे को कोई फेलियर का बेटा कहे या फ्रॉड का बेटा। तो फिर
हाँ कह दीजिए ना मम्मा, मुझे परमिशन दे दीजिए आबरा का डाबरा स्कूल में जाने के लिए, प्लीज मम्मा। शानू अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि एडमिशन के वक्त कोई भी शानू के पापा के बारे में जाने। डोंट वरी मैडम, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चू करता है, आज से तेरा नाम चू चू। क्या, क्या? कोई आ रहा है? तुझे डर लग रहा है तो तू इसमें छुप जा। अरे लीमू चाचा, छुटकन गैंग, तुम इतनी रात को यहाँ? लीमू चाचा, आप महान जादूगर राहुल सिंह को जानते हैं? हाँ, मेरा दोस्त था वो, सबसे अच्छा दोस्त। इसी स्कूल में हम साथ पढ़ते थे और फिर साथ में पढ़ाया, लेकिन तुम राहुल को कैसे जानते हो? वो मेरे पापा थे। पापा? अरे छुटकन, शानू, तू मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई का बेटा है। आ जा बेटे, आ जा। अरे अरे चूचू, हाँ हाँ मिलवाता हूँ। सुनो, ये चूचू है, अभी बनाया है, हमारा दोस्त है। अरे हाँ हाँ, सुन लिया चूचू, ये शानू है, ये डिंकी है, ये पिंकी है, और क्या बोला? एक अजीब सी औरत यहाँ आ रही है, हाथ में जादू की छड़ी है, ये अरबी तो नहीं? घबराओ मत। ये लो बेटा, एक गोली मुंह में डाल लो। ये खाने की चीज है? चुप चुप बेटू, जब देखो खाने की बात करती है। बेटा ये खाने की गोली नहीं, ये जादू की गोली है। इसे मुंह में डालने से इंसान गायब हो जाता है। फौरन ये गोली मुंह में डालो और यहाँ से उड़न छू हो जाओ, नहीं तो आर भी आ जाएगी। जाओ जाओ। मैडम, आरबी मैडम जंगल में इतनी रात को कहाँ जा रही है? हमें क्या, कहीं भी जाए? लेकिन हमारी प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम में पड़ गई तो? मैडम का तो पता नहीं, अगर हम मैडम के पीछे गए तो हम जरूर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए प्लीज चलो। नहीं, तुम मेरे पीछे आओ, कुछ नहीं होगा, चलो। इस तरफ से आइए मैडम। आ जाइए,
आइए। गुड इवनिंग मैडम। नमस्कार मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। Good evening, madam. सवाल की बेतुकी पर हंसी नहीं आती तुम्हें आरपी?
तुम्हारी कैद में फंसे इंसान के तो ख्वाबों में भी खुशियां आने से कतराती हैं। तुम्हारे पागलपन ने तुम्हारे सोचने समझने के साथ साथ सुनने की शक्ति भी छीन ली है, वरना सुन पाते की खुशियां तो कब से तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। एक हाँ, तुम्हारी सिर्फ एक हाँ तुम्हें हमेशा के लिए मेरी कैद से आजाद करवा देगी। वो उसूल ही क्या जिसे समय का दीमक खोखला कर दे। ना तुमने अपनी जिद छोड़ी है, ना ही मैं अपने इरादे बदलूंगा। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी यार। कुछ इच्छाएं मेरी और कुछ इच्छाएं तुम्हारी, हम दोनों को तकलीफ, पर एक ही पल में हम दोनों की तकलीफ मिट सकती है। अमर संजीवनी बना दो मेरे लिए, मिलकर दुनिया पर राज करेंगे और ना ही फिर मौत से भी हम डरेंगे। एक घूंट अमर संजीवनी का जिंदगी बदल देगा मेरी, मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। और इतना ही नहीं, सारी दुनिया को बेचेंगे अमर संजीवनी हम। इस संसार का हर जवान बूढ़ा बूढ़ी अमर संजीवनी पर दौलत लुटाने को होगा तैयार। राज करूंगी मैं राज, इस दुनिया पे राज, पूरे ब्रह्मांड पे राज। कुदरत से लड़ोगी आरबी? वक्त का पहिया एक ही दिशा में घूमता है, इस तरह नहीं। तुम्हें होगा नशा अपनी ताकत का, लेकिन मैं अपने उसूलों की पूजा करता हूँ। खुद को खुदा मत समझ, पहले एक नेक इंसान बन, एक नेक औरत बनने की कोशिश कर। औरत तो मैं हूँ राहुल, पत्थर नहीं। प्यार के दो मीठे बोल देंगे सारे राज खोल।
इतना अपमान। पूजा के हार और नागिन में यही फर्क होता है आरबी। हार की जगह गले में होती है, नागिन अगर बदन को छुए तो उसे दूर ही धकेला जाता है। मत भूलो, ये नागिन दसना भी जानती है। और तुम भी मत भूलो आरबी, मारने वाले से बचाने वाले की जगह बहुत ऊंची होती है। मौत हूं मैं, अंतिम सच। मेरा सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन ये सर झुक कर रहेगा राहुल। खुद को मौत कहती हो और खुद ही मौत से इतना डरती हो। खामोश। अपने डर की आवाज को दबाने के लिए ऊंची आवाज का सहारा ले रही हो। अंदर ही अंदर तुम खुद भी जानती हो आरबी, तुम हार रही हो। ये एक एक बीतता हुआ पल तुम्हें और भी कमजोर करता जा रहा है। सफर खत्म होने को है और मंजिल का कहीं नामो निशान तक नहीं। तुम पागल हो रही हो आरबी, तुम दीवानी हो रही हो, तुम हार रही हो आरबी, तुम हार रही हो। राहुल! आरबी, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब। कौन है, कौन है? क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे रुक जा, पानी लेकर आता हूँ। अरे क्या है, क्या है चूचू, क्या है? आरबी आ रही है, इस गोली को मुंह में डालो जल्दी से। चल तुम भाग जाओ। लीमू, लीमू, लीमू! मैडम, आप यहाँ कैसे? तुमने यहाँ किसी को आते देखा? हाँ मैडम, देखा। किसे? आपको। शट अप! शट अप! शट अप! लीमू! इस हंसी की वजह तुम्हारी बदनसीबी आरबी, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द ही तुम्हारा अंत होगा और तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जैसी किसी ने सोची भी ना होगी। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी मौत नजदीक आ रही है, तुम बच नहीं पाओगी। बहुत जल्द तुम खत्म हो जाओगी, तुम्हारी मौत नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है। I love you, आरबी। क्यों ना मैं अपनी जान इस परिंदे में डाल दूं? I love you, आरबी। I love you, आरबी। किस में इतनी ताकत जो मुझे हरा पाए? हाँ प्लीज, प्लीज डोंट क्राई। समझ में नहीं आता पिंकी, रो के हंसो, पापा जिंदा है, I'm so happy, वो जिन्हें हम, I'm happy कि वो जिंदा है। आरबी मैडम ने उनकी क्या हालत बना के रखी है,
मैं छुड़ाऊंगा पापा को। रिलैक्स अनु, रिलैक्स, डोंट बी स्टूपिड। जरा ठंडे दिमाग से सोच। आरबी मैडम कितनी पावरफुल हैं, उनके पास कितने पावर्स हैं। जब तुम्हारे पापा इतने बड़े मैजिशियन होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा? पिंकी इज राइट शानू, अगर तुम अभी बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाओगे तो आरबी मैडम तुम्हें भी पकड़ लेगी। जानती हो तुम, मेरी मम्मी चुपके चुपके पापा की याद में रोया करती हैं। मैं मम्मी को बताना चाहता हूँ कि पापा जिंदा है। मम्मा। बच्चों एक खास खबर, आज का दिन है बड़ा मजेदार। हो जाओ तैयार, फौरन पहुंचो स्कूल के मैदान में। आरबी मैडम कर रही है तुम सब लोगों का इंतजार। खेल है ये उड़न गालीचे का, यानी फ्लाइंग कार्पेट। ठीक उस तरफ है विनिंग पोस्ट। दोनों टीमों के बीच एक झंडा फेंका जाएगा और उस झंडे को लेके विनिंग पोस्ट के ऊपर लगाना है। खेल जीत हार, एक अनोखा पुरस्कार। जीतने वाला कैप्टन चाहे तो हारने वाले कैप्टन को स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकता है धक्के मार के। खेल शुरू। Yeah.
शर्त के मुताबिक जीतने वाला कैप्टन चाहे तो हारने वाले कैप्टन को स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकता है। मैडम, मैं स्कूल से दुश्मन को नहीं बल्कि दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। अब मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारी जीतने वाली टीम के कप्तान मास्टर शानू को अपने हाथों से इनाम दे। मुझे प्रभु प्रभु देवा कहते हैं। इस छोटे से बच्चे ने वो बड़ी बात कह दी है जिसका मतलब अगर ये संसार समझे तो सारे संसार में अमन चैन हो जाए। मैडम, मैं भी इसी स्कूल का प्रोफेसर था। जब यहां से गया तो हालात कुछ और थे, लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। यहां आओ बच्चों, आशा की वो किरणें हो तुम जो ऐसे समाज को बना सकती हैं जहां सरहदें सिर्फ कागज पर हों, दिल पर लकीरें न खिंची हों। बच्चों, ऐसा समाज बनाओ जहां सब एक हों। और इसके लिए जरूरी है हर पल उस शक्ति को याद रखना जो दुनिया चलाती है। आओ मिलकर नमन करें उन्हें। सारी दुनिया शिवशंकर कहती है जिन्हें। ओम शिवो शिवो शिवो। Oh,
रहेंगे आज? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। तो तुम नहीं बोलोगे। स्कूल का नियम है बाहर का जादू यहां नहीं चलेगा। नियम तोड़ा, ऊपर से झूठ का साथ नहीं छोड़ा। जानते हो झूठ एक अपराध है। अपराध का मतलब दंड और दंड का मतलब हम। 24 घंटे काल कोठरी। जुलू। जी मैडम। नहीं मैडम, ले जाओ इसे। अच्छा ले जाओ। लीमू चाचा, किसी ने सुन लिया तो लीमू चाचा से स्वर्गीय लीमू चाचा हो जाऊंगा। सेब खाएगा? अरे खाले खाले, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। कैसा है? काल कोठरी में फर्स्ट क्लास। अरे छुटकन, गर्मी से तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं लीमू चाचा, मेरे पास ऐसी न्यूज है जिसे आप भी सुन के फर्स्ट क्लास हो जाओगे। कैसी न्यूज है तेरे पास? चाचा, पापा जिंदा है। पापा जिंदा है? जिंदा? पापा जिंदा है? हाँ, मतलब हाँ, राहुल मेरा जिंदा है? अरे तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला? कहाँ है राहुल? पापा यही है। आरपी मैडम ने उनको कैद करके रखा है, मैंने देखा है। आरपी मैडम पापा को बहुत तकलीफ दे रही है और कुछ अमर संजीवनी मांग रही है। तो ये तरीका अपनाया है आरपी ने अमर संजीवनी को पाने का? चाचा, क्या है अमर संजीवनी? और पापा इसे आरबी मैडम को क्यों नहीं दे देते? नहीं बेटा, नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार अमर संजीवनी आरबी के हाथों लग गई तो उसके दिल से मौत का डर चला जाएगा। चुहिया शेरनी बन जाएगी। आज से नहीं, जब से अमर संजीवनी बनी है, रंग बिरंगी उसे पाने को तरस रही है। आज भी एक एक पल याद है मुझे उस दिन का। राहुल इसी स्कूल में प्रोफेसर था और अमर संजीवनी तैयार कर रहा था। यस,
आई हैव डन इट, आई हैव मेड इट, यस आई हैव डन इट, आई हैव मेड इट, यस मैंने बना लिया। अरे क्या कर दिया तूने भाई, क्या कर दिया, ताजमहल फिर से बना दिया क्या? लिमू लिमू लिमू, आई हैव डन इट, यस। अरे मगर मेरे बच्चे किया क्या है? ये देख लिमू, ये देख, आजा आजा मैं तुझे इसका कमाल दिखाता हूँ, आजा आजा मेरे साथ, आजा लिमू आजा, अब देख तू इसका कमाल। अरे तूने तो विटामिन का बाप पैदा कर दिया यार। हाँ लिमू हाँ, जिंदगी का टॉनिक बोल इसे, जिंदगी का टॉनिक, इसकी सिर्फ दो बूंदे, दो बूंदे बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर देंगी। और बड़े से बड़े जहर का उतार है ये लिमू, और जो इंसान इसकी सिर्फ पांच बूंदे पी लेगा उसकी जवानी लौट आएगी। और तो और लिमू, इसकी दस बूंदे, सिर्फ दस बूंदे जो इंसान पी लेगा ना, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मतलब अमर संजीवनी? हाँ लिमू हाँ। अमर संजीवनी, मिरेकल, क्या कमाल की चीज बनाई है तुमने राहुल, जरूरत है हमें इसकी। लाओ दे दो मुझे। नहीं आरबी, ये मैंने नहीं 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 मैडम, नहीं 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 नहीं, आपको नहीं 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 मिल सकती है, नहीं। आरबी ये मैंने जरूरतमंदों के लिए बनाई है। हम भी जरूरतमंद हैं, हमें भी बहुत जरूरत है इसकी। नहीं आरबी, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? मैम मैं अपने दोस्त को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ये एक बार जो कह देता है ना उसमें अटक जाता है, अभी ये अटक गया है, अटक गया हो ना। हम सारी दुनिया पे राज कर सकते हैं, तुम्हारा टैलेंट और या आविष्कार और हमारी ताकत ले आएगी सारी दुनिया में आफत। सोच लो। सोच लिया राहुल। राहुल कोई बात नहीं, जो चीज एक बार बन सकती है उसे दोबारा भी तो बनाया जा सकता है। हाँ बनाया तो जा सकता है, लेकिन तुम इसे नहीं बना सकती और ना ही तुम्हारा कोई साथी, और मैं इसे बनाने से इनकार करता हूँ। मेरे स्कूल में वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। तो ठीक है, मैं आज इसी वक्त तुम्हारा स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जाने दूँ तब ना। नहीं मैडम, नहीं मैडम। और उसके बाद राहुल की कोई खबर नहीं आई। खबर आई भी तो आखिरी, और वो भी उसकी मौत की। पर मुझे खुशी है कि वो सही सलामत है। लीमू चाचा, पापा को छुड़ाओ ना प्लीज। वो चुड़ैल की शक्तियों के आगे मेरी शक्तियां कुछ भी नहीं, हमें सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। लीमू चाचा, मम्मी बहुत परेशान है, क्या किसी तरह मम्मी को एक खबर पहुंचा सकते हैं? रिस्क है क्योंकि यहाँ से जाने वाली हर चिट्ठी और यहाँ आने वाली हर चिट्ठी आरबी खुद पढ़ती है। तुम्हारी मम्मी तक ये खबर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। पापा जिंदा है, आपरा का
डाबरा स्कूल की प्रिंसिपल की कैद में। राहुल जिंदा है, मेरा राहुल। ए रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। और गुड मैन दिलाल ट्रेन, दिल बाग का दिल बाग बाग हो गया ये खबर सुन के। ओए आऊं आऊं, ओए आऊं ओए आऊं आऊं, ओए आऊं आऊं, ओए आऊं। दिल बाग भैया, अभी इतने खुश मत होइए। क्यों? क्योंकि राहुल अभी भी आरबी की कैद में है। ओए पापी, पापी का प्यार बड़ा है या आरबी की नफरत, आप चिंता मत करो। ओए दिलबाग सिंह ने है ना तंदूरी चिकन ऐसे नहीं पाड़े हैं। आप सिर्फ देखती जाओ कि मैं आरबी की बच्ची को कैसे मुर्गियों वाला पकड़ा कराता हूँ। तो फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। ओ, नहीं नहीं पापी, आप नहीं, खतरा बहुत है वहां पर। आप साथ चलोगी ना तो मामला कमजोर पड़ सकता है। नहीं भैया। ओ नहीं पापी, अब तो दिलबाग सिंह टक्कर लेगा उस बैड वुमेन दी लालटेन से। जी संभल के, संभाल के जी, संभल के। बड़ी नाजुक नाजुक चीज हो, अगर ऐसे टकराती फिरोगी तो डेंट पड़ जाएगा गड्डी में। ओजी सस्री अकाल। I'm fine, thank you. ओजी मेरा नाम प्यारा सिंह है। तो मेरा नाम प्यारा सिंह नहीं है। I mean Suzanne is my name, Suzanne. Suzanne जी, क्या आप बता सकती हैं कि प्रिंसिपल मैडम का कमरा किधर है? बता सकती हूँ। ओह, बताऊँ? बताइए ना। सीधे जाइए। Then take a right. Then take a left. Again right. फिर left. फिर right right. And you'll find a right there. Suzanne जी, जिस तरीके से आपने बताया है ना, मैं 100% वहां पे पहुंच ही जाऊंगा। ओ जी, हार पकड़ के थैंक यू वेरी मच है। अच्छा सुजैन जी, चलता हूँ जी। बल्कि व्हाट अ पर्सनालिटी, छोटा काला मोटा, he's perfect. राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट, फिर पता नहीं कहाँ जाना है। दिल चाचा? दिल चाचा? हाँ। कौन दिल चाचा? वो मेरे चाचा हैं। चानू तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम आओ मेरे साथ। आजा मोटी, आजा ना। अरे चानू क्या हुआ? जादूगर की असली परीक्षा हिप्नोटिज्म। क्या कहा जी? सम्मोहन। मोहन, मोहन तो बहुत अच्छी तरह आता है मेरे को। सम्मोहन। सम्मो कर सकते हैं क्या आप? जी वो कर सकता हूँ जी। टिंकी, मैं जो बोलूं वही करना आरबी मैडम के सामने, समझी? तो कीजिए हिप्नोटाइज। पर किसको करूं? एक्सक्यूज मी मैडम, वो आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं रूम में जाऊं प्लीज। एक मिनट, इसे करो हिप्नोटाइज। क्या? इसे? हाँ इसे करो। ओजी ओजी ओजी, ठीक है जी, मैं इसको सम्मोहित करता हूँ। कुड़िये, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। पेंडुलम नहीं है, गर्दन से ही काम चलाना पड़ेगा। टिक टिक एक, टिक टिक दो, टिक टिक तीन, टिक टिक चार, तुम सो रही हो। हाजी, वो ये तो सो गई। हाजी, हाजी, अब अपना एक हाथ उठाओ। हाजी, देख रहे हो जी, अपना दूसरा हाथ उठाओ। वेरी गुड है जी, जादू है जी। अब अपनी एक टांग उठाओ। वेरी गुड है जी, है जी, देखो जी, अब पंगड़ा शंगड़ा करो। अब अपनी दूसरी टांग उठाओ। लड़की हो गया जी सम्मोहन। ओए ओए, देख रही है जी, प्यारा सिंह जादूगर के जादू का कमाल। ओ ये हो कैसे गया?
जुलू जी मैडम, इन्हें कमरा दिखाओ। जी, ये रहा तुम्हारा कमरा, चले आओ, आ जाओ। ओए बल्ले, ओए बल्ले। ओए आबरा का डाबरा जी, ओ आप बहुत स्लो कर रहे हो जी, थोड़ा फास्ट फास्ट करो ना। हाँ, ओए ये क्या है, वो दूरबीन जैसा, जरा देखूं तो सही। ओए ब्लडी फूल, ये तो फूल है, कमाल है। ओए वो ये चिकन तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, वो जॉगिंग भी कर रहा है। ओए भाई जुलू, एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। ओए आप जैसा पुलक्कड़ मैंने लाइफ में नहीं देखा। पुलक्कड़ और नहीं तो क्या, वो सिर्फ मुंडी लेके घूमते रहते हो और बाकी बॉडी को घर में छोड़ के आते हो क्या? और वो बेचारी तो अकेली बोर हो जाती होगी। ओ कसम परवा बिंडी की, जब आप हंसते हो ना तो मुंडी वाइज रावण के 1/12 भाई लगते हो। मैं जा रहा हूँ। ओ ठहरो ठहरो, मैं छोड़ के आता हूँ बाहर। ओ मेहमान को बाहर छोड़ना ना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा जी, बाद में आना, पर बॉडी साथ में लेके आना। मिलता हूँ। अच्छा जी, ओके जी, बाय बाय जी, टाटा है जी। ओए दिल चाचा। ओ शानू, ओ मेरे पुत्र, तू कैसा है काके? मैं ठीक हूँ चाचा, आप कैसे हैं? ओ देख नहीं रहा, एकदम फिट और फैट। चाचा ये मेरे दोस्त हैं, ये डिंकी है। हाय। नमस्ते जी। ये पिंकी है। नमस्ते। हाय। ये बच्चे भी मेरी तरह कितने हसमुख है यार। दिल चाचा, मम्मी कैसी है? ओ मम्मी, और मम्मी खुशी के मारे फुलझड़ियां छोड़ रही है, और बीमार कर दिया पूरी कॉलोनी को, डायबिटीज करा रही है मिठाई गला गला के। अच्छा ये बता, मेरा यार राहुल कैसा है, वो कहाँ है? चल उसको छुड़ाने चलते हैं। चाचा ये आसान नहीं है। क्यों भाई? आरबी मैडम बहुत डेंजरस है। क्या? ओए रिलैक्स शानू, अब क्यों ना हम चाचा को अपने बाकी के ग्रुप से मिलाएं? क्यों? बाकी का ग्रुप बच्चे, और भी बच्चे हैं यहाँ। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े बच्चे हैं। आप मिलोगे उनसे? और मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। दिलबाग जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे राहुल आपका दोस्त है ना वैसे हमारा भी दोस्त है, मिलजुल कर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे भाई। किंतु ये रास्ता ना निकलेगा कैसे? खाने से, क्योंकि खाने से दिमाग चलता है, और अगर दिमाग चलेगा तो रास्ता भी निकल जाएगा। सिंपल सिंपल की बच्ची, आज मैडम का बर्थडे, जितना खाना है खा लेना। कसम सड़े करेले की, आज उस कबूतरी का जन्मदिन है, इसका मतलब है खूब हंगामा होगा, गाना बजाना होगा। जी, गाना बजाना होगा और मस्ती भी होगी। लेकिन मैं उस चुड़ैल की मौज मस्ती में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो हम हंगामे में इतना रंग जमाएंगे कि बैड मूमेंट दी लालटेन मरने के बाद भी याद रखेंगे। ए, किंतु ये होगा कैसे? सुनो, ओह माय गॉड, हमको बोलो, हमको बोलो, इधर। ठीक है, कि इनके ड्रिंक में जहर मिला देंगे। ठीक है, राइट।
लव होया लव होया लव होया मैनू लव होया लव होया लव होया लव होया मैनू लव होया तारों की छैया में दिल गया मैनू लव हो गया चंदा पलक पे है खिल गया मैनू लव हो गया मस्तानी रात कहती है क्या मस्तानी रात दिल की दुआएं ले जा ले जा दिल की दुआएं ले जा प्यार के सपने ले जा प्यार के सपने ले जा चाहता है दिलकश ये नजारा समझो इशारों का इशारा चाहत की खुशबू में दिल गया मैं लव हो गया चंदा पलक पे है खिल गया मैनू लव हो गया गुस्ताखी माफ में हिल गया मैनू लव हो गया लव होया लव होया लव होया मैनू लव होया लव होया लव होया लव होया मैनू लव होया चाहत की खुशबू में दिल गया मैनू लव हो गया चंदा पलक पे है खिल गया मैनू लव हो गया एक जरूरी खबर कैसी हैं आप बहुत प्यासी मेरी ये प्यास मेरे मकसद के कामयाब होने पर ही बुझेगी और ये मकसद तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक राहुल अपनी जुबान न खोले हाँ ऐसा लगता है कि समुद्र से उसे निकाल के यहां तक पहुंचाने की तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती सब्र का फल मीठा होता है इतने महीने तुमने भी तो मेहनत की सारी दुनिया में कोई मीठा फल लाए नहीं मैंने सारी दुनिया के खाक छान मारी सब जादूगरों से मिलकर बातचीत की लेकिन अमर संजीवनी बनाने की काबिलियत किसी में नहीं पाई यह करिश्मा सिर्फ राहुल और राहुल ही कर सकता है और वो नहीं कर रहा करेगा थोड़ा सब्र कीजिए वो जरूर करेगा देख रहे हो ये लड़का कौन है ये लड़का शानू जानते हो इसे आप नहीं जानती है कौन है हाँ स्टूडेंट है ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं राहुल की जबान पे पड़े हुए ताले की चाबी है अगर हम जानते कि राहुल अपनी जबान नहीं खोलेगा तो इसे हम बहुत पहले उठा के ले आएंगे खैर हमारी किस्मत इसे यहां ले आई तो शानू राहुल का बेटा है तुझे कितनी बार कहा है कि क्या शानू की असलियत जान गई है चुचू चुचू
तनू, टिंकी, टिंकी, चलो जल्दी उठो और निकलो यहाँ से। क्या हुआ चाचा? अरे सवाल बाद में पूछना, पहले अपनी जेब से गोली निकालो, मुंह में डालो और गायब हो जाओ, और पीछे वाले हिस्से में हमारा इंतजार करना। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। आवरा का डाबरा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने प्यारा सिंह को यहाँ आते देखा तो मैं इसके पीछे पीछे चला आया यहाँ। मैडम सच बात तो यह है कि मैं अपना कमरा ढूंढ रहा था, इसलिए गलती से यहाँ घुस आया। माथे पर पसीना, गर्मी, किसकी? मौसम की या फिर झूठ की? पहुंच लो, कहीं बह न जाए। मैडम पिंकी, यहाँ तो कोई नहीं है। चाचा ने तो यही कहा था, पर वो है कहाँ? हाँ को पता चल गया कि तुम राहुल के बेटे हो शानू। वक्त आ गया आखिरी जंग का बेटा। लीमू जी, कसम तुली हुई दाल की, इस बैड वुमेन दी लालटेन को है ना, हम सब मिलके तोड़ डालेंगे। और सबसे पहली मदद हम करेगा। वो कैसे सर? हमको इस आबरा के डाबरा स्कूल का एक बहुत बड़ा राज मालूम है। वो क्या है सर? 200 साल पहले स्कूल के फाउंडर गुरु आदित्य नोंजी ने एक जादुई छुड़ी बनाई थी, मगर बिजली नाम के एक चालाक जादूगरनी ने वो छोड़ी छीननी चाहिए। कौन बिजली? बेटा बिजली वही जिसकी तस्वीर आरबी के कमरे में लगी है। आरबी बिजली के ही वंश की है। जादूगरनी बिजली ने गुरुजी को मार दिया, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, साथ ही साथ बिजली की भी मौत हो गई। चाचा, वो छड़ी का क्या हुआ? अरे सुना है कि एक अजीब सी गुफा में गुरुजी की आत्मा अभी भी उस छड़ी की देख रेख कर रही है। अरे बाबा, बहुत शक्तिशाली छोड़ी है वो, एक बार मिल गई ना तो आरपी से टकराने में बहुत मदद करेगी हम लोग की। हाँ ओए, तो फिर सोचना क्या है, वो छड़ी को लेने हम चलते हैं। अरे दिलबाग, हर पल आरपी की नजर जो है वो गेट पर लगी रहती है, जैसे हम बाहर गए आरपी को पता लग जाएगा। गुफा में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास गोलियां हैं, और गोलियां बच्चों के पास हैं। वो तो गोलियां हम ले लेते हैं। हां क्यों नहीं, और आरपी के हवाले बच्चों को कर देते हैं। चाचा मैं जाऊंगा छड़ी लाने। मैं नहीं, हम। अब उस छोड़ी तक कैसे पहुंचना है हम तुमको समझाते हैं। देखो, जब नदी पार करेगा ना तो एक बहुत बड़ा जंगल है, और उस बहुत बड़ा जंगल में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, किंतु बच्चा लोग डरना नहीं। जादुई छड़ी को लेने से पहले मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी है। अंकल, अभी ये ओरल टेस्ट से ज्यादा जरूरी है हमारा ये मैजिक वॉन्ड को अपने साथ लेके जाना, इसलिए हम ओरल टेस्ट कभी बाद में देंगे, ठीक है? टिंकी, टिंकी,
मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मैं दूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। पूछिए। सच क्या होता है? सच झूठ का ऑपोजिट होता है, और जो झूठ होता है वो सच होता है, और जो सच होता है वो झूठ होता है। अब इन दोनों की जान तुम्हारे हाथ में है बेटे, इन्हें बचाना है तो सही जवाब दो। सच क्या होता है? सच? सच तो सिर्फ एक ही है, गॉड, भगवान, बाकी सब झूठ है। मगर भगवान को दिल में बसा लिया जाए तो हर झूठ सच में बदल सकता है। बहुत खूब। जीवन क्या है? वो जो दूसरों के लिए जिया जाए। सूरज से क्या सीखते हो? खुद जलना और औरों को प्रकाश देना। और चांद से? हाँ, सारे जग को शीतल करना बिना भेदभाव के। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। मैं आदित्यानंद हूँ। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं तुम्हारे परदादा का दादा हूँ, यानी कि तुम मेरे वंशज हो। सदियों से इंतजार में था कि एक दिन मेरा अपना कोई आएगा तो मैं उसे अपनी धरोहर ये जादू की छड़ी दूंगा, और ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। अब मुझे मोक्ष मिलेगा और तुम्हें ये जादू की छड़ी। शानू, ईश्वर तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी दे। शानू, चट्टू सर, छोड़ी मिली छोड़ी। हाँ हाँ, देखी तो? हाँ, अब ठीक है। ये छोड़ी तुम्हारे बाबा को छुड़ाने में हमारी मदद करेगी। चलो चलो चलो। ऐ, तुम लोग किधर जाता है? तुम लोग दोनों नहीं। पर क्यों? क्यों क्या? आगे बहुत खतरा है। ये टाइम हमारा और शानू का लड़ने का है, तुम्हारा नहीं। लेकिन हम लोग लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जीत करो मत, जाओ। ओके। चलो बाबू मोशाय, अब तुम्हारे बाबा से तुम्हारा मिलन दूर नहीं है। चट्टो सर, आप यहाँ? हम यहाँ नहीं तो क्या कोलकाता में होगा? शानू कहाँ है? शानू वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि शानू कहाँ है वही। पर चट्टो सर, अभी तो आप शानू को लेकर गए थे। ओ, ये कहाँ लेके गया था? ये तो यही था। अगर चट्टो सर यहाँ थे तो वो कौन थे? चट्टू सर, पापा। शानू बेटे, नहीं बेटे, इसे छूना मत, इससे दूर ही रहना। पापा, मैं आपको आरपी की कैद से छुड़ाने आया हूँ। बाप बेटे का मिलन, महीनों की अगन, थोड़ी सी गलती मतलब अपराध का मतलब दंड, और दंड का मतलब हम। ठहरो, क्या हुआ? ठहरो, हम त्रिकाल दरवाजे के पास इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। अरे क्यों नहीं पहुंच सकते भाई? क्योंकि रास्ते में एक ऐसा जंगल पड़ता है जहाँ के पेड़ हर गुजरने वाले को खा जाते हैं, इसीलिए। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचेगा कैसे? एक मिनट, हर मुश्किल का हल होता है।
आखिरी बार अमर संजीवनी, हाँ या ना? ना, मत दो मुझे अमर संजीवनी, और अब चाहिए भी नहीं। शानू, शानू मेरे बेटे, शानू, 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 अरबी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अरबी, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, और मेरे बेटे शानू को कुछ हो गया तुम्हें तो क्या करोगे? चिता जलाओगे इसकी या गाड़ोगे? अरबी, तुम्हारे बेटे को कुछ होता है या नहीं अब तुम्हारे हाथ, देखें बाप देता है कि नहीं अब बेटे का साथ। नहीं, मुझे अमर संजीवनी बिल्कुल नहीं चाहिए राहुल, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखो, देखो अपने बेटे को, क्या करेगा बेचारा, तड़प तड़प के मरेगा। अगर बाप ने जिद ना छोड़ी तो बेटे को जिंदगी छोड़नी होगी। फैसला तुम्हारे हाथ। नहीं पाता लोग, तुम लोग गिरे खाइए के दे पापा। बहुत गया क्या रे? ए देख देख, हम लोग छे वो एक ही है। अटैक, थोड़े वो अगला अटैक, अगला अटैक, अगला अटैक। मुझे अटैक करते करते तो अटक जाएंगे, कोई जादू कीजिए ना। जादू की जादू आता भाई? कौन सा? भागने का। वो तो मुझे भी आता है। भागो। आपको बैंगन का भरता कैसे बनता है बताए? नहीं नहीं, उसके लिए ना एक बैंगन की जरूरत होती है, तो बैंगन तो यहाँ पर है नहीं। अच्छा समझ लो कि आप ही बैंगन हो। अब मुझे बैंगन बोलता है? और ना उसकी डंडी को घुमा घुमा के पहले ऐसे पूंजते हैं, ऐसे ऐसे। जाओ मेरा जादुई बम्बू, उड़ा दे इन दुश्मनों का तंबू। या 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 या। जल तोरी आ रही है? आ रही नहीं, आ रहा है। ठुक। ओए।
शानू भाग जा। रिमझिम हट, रिमझिम हट, रिमझिम हट, रिमझिम हट। ये क्या है? ये जादू की लड़ी है, अब देखना ये कैसे लड़ती है। शांत रहो भाई, ये सब मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? ए, ए, इधर आओ, ए, इधर आओ, इधर आओ, निकम्मा मेरी नाक कटवा दी, इधर आओ, गप्पक दीना गोलकोंडी लबाशा, ये लो जादुई मटका, आदमी लटका, जाओ 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 जाओ, मला कपूस पुर 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 पुरा तप रिया रो बरा कतब दिया पुरा ये मुस्तक हो रिया। Ha ha ha!
यही है वो मिसाइल, लोअर कर दो उनको घायल, कर दो उनको घायल, यही है वो मिसाइल, कर दो उनको घायल, यही है वो मिसाइल, जाओ। यही है वो मिसाइल। Oh!
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं आबरा का डाबरा मैजिक स्कूल की जिम्मेदारी एक प्रिंसिपल की हैसियत से संभालूं। थैंक यू। लेकिन ये सब नहीं हो पाता अगर हमारे साथ शानू जैसा बहादुर बच्चा नहीं होता। आज मैं आपको एक महान आदमी की अमानत दे रहा हूँ। I'm sure you deserve it. सुजैन जी, आप और आपका ये बदला हुआ रूप। असली में मेरा नाम सुजैन नहीं, सतवंत कौर है। लेकिन पहले मुझे सतवंत नाम ना बड़े पैड़ा और ओल्ड फैशन लगता था जी। लेकिन प्यारे जी, आपका प्यारा सा नाम सुनने के बाद और आपका प्यार पाने के लिए ये सुजैन एक बार फिर सतवंत कौर बनने के लिए तैयार है। ओ सतवंत जी, आपने जो अपना हाथ मेरे हाथ में रखा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसको है ना, मैं हमेशा के लिए अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। इनकी ज्यादा खाना नहीं वरना फिल्म मिस यू शानू, फिल्म मिस यू, टेक केयर, यू टू, बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि जादुई छड़ी कहाँ गई? क्या शानू दोबारा स्कूल में आएगा? क्या अरबी वापस आएगी? क्या वो ओ सवाल बहुत, जवाब पता नहीं, तो अब क्या करें? वेट फॉर पार्ट टू।